रहे हैं कि शिव कुमार बिक्कू जी ब्रेकअप कर लिए हैं क्योंकि अनुपमा यादव आजकल बहुत ज्यादा पावर स्टार पवन सिंह के साथ घूम फिर रहे हैं, घुल मिल गए हैं। अनुपमा यादव से आपका ब्रेकअप हो गया? उनके हिसाब से ब्रेकअप है तो ठीक है। आजकल लोग प्यार करके फिर उसको छोड़ क्यों देते हैं, शादी क्यों नहीं करते हैं? शिव कुमार बिक्कू जी को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं अनुपमा यादव, आप जो भी सोना चांदी पहनते हैं वो अनुपमा यादव को दिया हुआ है। आजकल अनुपमा यादव हो गए हैं पवन सिंह की गर्लफ्रेंड, और पहले थी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह अगर छोड़ दिए तो फिर बिक्कू जी चल गए उनके साथ, अनुपमा जी इनके साथ। अक्षरा सिंह के बारे में तो कोई कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि अखियों से नींद चैन दिल की उड़ाती है, हलनवा की बेटी सपनवा में आती है। अभी भी सपना में आती है कोई? अब हम सपने देखो सूतल छोड़ देने हैं, सूतले छोड़ देने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ भैया पटना, और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे सिंगर शिव कुमार बिक्कू जी हैं। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद हो गया है कि मिलना बहुत जरूरी था। अक्षरा सिंह जी, बिक्कू जी, अनुपमा यादव, पवन सिंह को मैटर को लेकर के भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से विवाद छिड़ चुकी है, तो आए हैं कुछ कुछ बातें रखने, कुछ इनसे पूछने, क्योंकि बहुत तमाम बातें चल रही है यूट्यूब पे। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे बिक्कू भैया, कैसे हैं? आपके ये जो ब्लॉग देखने वाले जितना भी श्रोता है सभी को बिक्कू का प्रणाम, और भाई जी का चैनल पे जो भी लोग जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ताकि लोग आपके सभी कलाकारों का ब्लॉग्स देखते रहें। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। पहला सवाल रहेगा, अनुपमा यादव से आपका ब्रेकअप हो गया? और ही कोनो सवाल नहीं करना। नहीं, पहला सवाल मेरा रहेगा, ब्रेकअप का कितना दिन हुआ, कब से बातचीत मतलब बंद हो गया? ब्रेकअप का कितना दिन हुआ? लगभग लगभग ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग जो देख रहे हैं वो समझिए कि एक लोगों में साथ में रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं ना कि खटपट होते रहता है, वही सब है। खटमट हो गया? हाँ, मतलब उनके हिसाब से ब्रेकअप है तो ठीक है। अच्छा, उनके हिसाब से ब्रेकअप है, इनके तरफ से आज भी दरवाजा भैया खुला है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं बोल रहे भैया। अच्छा। दरवाजा खुला ला बंद के देखिए, लोग के ना कुछ सीमित दायरा होला, कुछ अब जिसके साथ जिसका जितना दिन लिखा होता है ऊपर से उतना ही दिन तक चलता है, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब पर ये कह रहे हैं कि शिव कुमार बिक्कू जी ब्रेकअप कर लिए हैं क्योंकि अनुपमा यादव आजकल बहुत ज्यादा पावर स्टार पवन सिंह के साथ घूम फिर रहे हैं, घुल मिल गए हैं, उनके साथ शो कर रहे हैं, इसीलिए। बिक्कू ने ऐसा कभी कहा क्या? नहीं, शो करना तो और ये सारी चीजें से मैंने कभी कुछ नहीं बोला। वो लड़की है, मैं लड़की पे ब्लेम नहीं लगाऊंगा। अच्छा। और वो भी इसी लाइन की है तो इसी लाइन के लोगों के साथ रहेंगे, ना कि बाहर के लोगों के साथ रहेंगे। बाहर के लोगों के साथ रहते तब मैं कुछ कहता। अच्छा। तो ये लाइन है, यहाँ गाना सबके साथ गाना है, परफॉर्म सबके साथ करना है, ये सब बेकार की बातें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आजकल अनुपमा यादव हो गए हैं पवन सिंह की गर्लफ्रेंड, और पहले थी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह अगर छोड़ दिए तो फिर बिक्कू जी चल गए उनके साथ, अनुपमा जी इनके साथ। अक्षरा सिंह के बारे में तो कोई कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि वो शुरू से मैं 2018-17 से सब मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनको दीदी बोलता हूँ। अच्छा, आप दीदी बोलते हैं? रिस्पेक्ट नहीं, आप शायद मेरा उनका प्रोग्राम देखें क्या? हाँ देखे हैं। हाँ, तो आप उसमें देखेगा। अच्छा, वो रिस्पेक्ट हमेशा बना रहे, बस यही। आपका और अनुपमा जी का कितने साल सा प्यार था, कितने साल का प्यार था लगभग? कैसा क्वेश्चन है भाई, ये सब पर्सनल चीजें बताई जाती है क्या? सरेआम बहुत दिन से था, मतलब कितना दिन से संबंध था प्यारा? हम लोग मिले थे एक उनका गाना करने के लिए बहुत पहले, 2020 या 2021 में, तो उस समय मिले थे, फिर साथ में लोगों को जोड़ी पसंद आने लगा, प्रोग्राम वराम करने लगे, बस यही है। अभी ठीक है, वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, वैसा कुछ संभावनाएं नहीं बन पा रही है कि हम लोग शोज करें, हम लोग प्रोग्राम करें। हाँ ठीक है ना, सभी लोग चाहता है कि हम अपने से बड़े स्टारों के साथ काम करें, ज़्यादा नाम करें, नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग प्यार करके फिर उसको छोड़ क्यों देते हैं, शादी क्यों नहीं करते हैं? बहुत दिन आप लोग रिलेशन में रहे हैं। देखो भैया, कहा है ना, क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन के हम जवाब एक जगह देवे वाला रहे। ये चीजें ना हर 10 में घर को पार करिएगा ना तो हो रहा है, समाज में ही हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि पब्लिकली हम लोग पब्लिक के माध्यम से जुड़े रहते हैं, हम लोग को चार लोग सुनने वाले देखने वाले रहते हैं, तो वो क्या है होता है ना कि आप कुछ भी छोटा सा भी कुछ करिएगा ना तो वो बड़ा इशू बन जाता है,
ठीक है ठीक है। हाँ तो अब ये चीजों का प्यार कहनी और शादी न कहनी छोड़ दे, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब देने प्यार किए फिर शादी क्यों नहीं, क्या दिक्कत हो गई? क्या प्यार किए तो फिर शादी क्यों नहीं, मतलब क्या दिक्कत हो गई आपके तरफ से कि उनके तरफ से? किसी के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मतलब होगी शादी मेरे मुंह से कभी सुने क्या? नहीं। और शादी ब्याह ये सरेआम कह के होता है क्या? इतना रुपया यादव जी मानते थे आपको, बहुत ज्यादा बोलते थे कि इन्हीं के साथ रहना है, शादी होगी, लेकिन आपके मुंह से कभी नहीं सुने? मेरे मुंह से क्योंकि हम वो बोलने से पहले सोचती नहीं है, मंच पे भी वो जो भी बोल दी थी, नादान है थोड़ा सा। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो पर्सनली जो उसको प्राइवेट ही रखने में ज्यादा अच्छा रहता है, सब चीज सबके सामने नहीं कह सकते है ना। अनुपमा यादव जी कुछ लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, आप एक स्टोरी के माध्यम से अक्षरा सिंह को बोल रहे थे कि मैं भटक गया था। अच्छा तो महिला आपके मुद्दा पे वो कैसे हम लोग स्टोरी बना रहे थे रील्स, तो हमने पूछा कल का शो कैसा लगा आपको, मैंने बोला बहुत अच्छा, फिर हुआ कि कहाँ चला गया थे इतना दिन से। अच्छा तो कुछ कुछ चीजें थी मेरे में जो अक्षरा दी को पसंद नहीं था, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं सुधर गया हूँ। अच्छा पहले वाली अब बात नहीं है। तो फिर हम लोग फिर साथ में काम करने लगे, तो मैं इसीलिए बोला कि मैं भटक गया, तो मैं दूसरे सेंस में बोला, किसी और ने किसी और को फैला दिया, झूठा रहता है इसे। अच्छा शिव कुमार भिक्कू जी के हो, अब अनुपमा यादव से बात होती है कि नहीं होती है? अभी प्राइवेट बात हम तारा ना बताए। अच्छा नहीं बताइएगा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आगे चल के शिव कुमार भिक्कू जी अनुपमा यादव जी एक स्टेज पर दिखेंगे कि फ्यूचर को फ्यूचर पे छोड़ देते हैं ना? मतलब आप चाहते हैं कि कहीं पे प्रोग्राम आपका उनका बुक हुआ तो आप जाइएगा, नहीं जाइएगा? क्यों नहीं जाएंगे, अगर कहीं शोज वगैरह बुक होगा तो भाई यही ना काम बा, अब हम ठेकेदारी ना करे ला कि चुनाव ना लड़े लगे, गाने गाओ तो गाने न गाए, जाओ ना मंच पे बुलावल जाए। अच्छा हाँ सही बात है। अच्छा आपका बहुत ही अच्छा अच्छा गाना आता है, बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि शिव कुमार भिक्कू जी को गाने के लिए उन्हीं लोग सिखाए, आपको अच्छे से गाना नहीं आता है, इनके बारे में क्या कहिए? थैंक यू सिखाने के लिए, जो लोग को ऐसा लगता है और ठीक है सिखाई है तो ये तो अच्छी बात है ना कि किसी को आपने हेल्प किया, हमारा ना अभी लगा वे चार लोग जानता है आपको, अगर चार को मंच मिलता है तो उन्हीं के थ्रू मिलता था। नहीं मैं अब पहले आपका नाम फेम हो गया है। मैं पहले से 2016-17 से ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा एक अलग ही टीम था, मैं उसमें अकेले परफॉर्म करता था। फिर 2018 से अक्षरा दी ने हमको सपोर्ट किया, वो अपने मंच पे बुलाने लगे उस समय भी, और फिर इधर वो करती हैं बीच में अनुपमा यादव के साथ शो जो होता था, ज्यादातर सबके साथ होता है, निशा उपाध्याय जी के साथ हुआ है, उनके साथ भी लोग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के चलते कोई नहीं है इस धरती पे। ये तो बात जब तक काबिलियत आपके अंदर नहीं है तो फिर कोई नहीं पूछा, तो हमारा खड़ा कर ले जाके संसद भवन में, हम क्या बोले भैया, जिसका जो लाइन होता है उसी लाइन में जानकारी होता है। अच्छा थोड़ा सा जानकारी बता, हम ठीक वाली खुश। अच्छा शिव कुमार भिक्कू जी को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं अनुपमा यादव, आप जो भी सोना चांदी पहनते हैं वो अनुपमा यादव को दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या कहिएगा? हमारे फेसबुक खोल लिया 2016-17 देखिए, वो घड़ी हमारे चैन और ब्रेसलेट पहने के ज्यादा शौक रहे, हम वो घड़ी पहनते रहे अब ना पहनी ला, और गिफ्ट दिया जाता है किसी को तो ये बयान नहीं किया जाता बात वो। हाँ राइट, चलिए बहुत कुछ इनसे भैया जानकारी मिला और बहुत ही अच्छे से जवाब भी दिए, इनके दिल में कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि ना तो ये भड़के हैं ना गुस्से हैं और बहुत ही शांति से भैया बातें कर रहे हैं, इतना शांत कैसे हो गए? टूटने के बाद इंसान शांति हो जाता है क्या? काहे टूटा? प्यार में धोखा मिलता है, बातचीत बंद रहे पर। अच्छा, लोग शराब वराब पीने लगते हैं, दारू पहले से पीते थे कि फिर बाद में पीना सीखे ब्रेकअप के बाद? अरे भैया हम कब ना पीला, काहे बदनाम करा तारा, ऐसा नहीं पीते हैं? नहीं यार। अच्छा इतना शांत कैसे हो गए भैया? हम शुरू से ही शांत हैं, अब दुनिया को लगता है कि हम खड़ूस हैं, हम है ना, हम शुरू से शांत हैं, तो हमारे से जब ले ना मिलोगे तब ले पता कैसे चलेगा? हाँ आप किसी से कभी मिलिएगा तब पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, दूर से देखने में तो सही बात है, बहुत कुछ बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मिलकर भैया पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, जाते जाते बोलेंगे एक सॉन्ग सुना दीजिए फलानवा वाला। अखियों से नींद चैन दिल की उड़ाती है, हलनवा की बेटी सपनवा में आती है, कि कातिला नया दप दीवाना बनाती है, न
अभी भी सपना में आती है कोई? अब हम सपने देखो सूतल छोड़ देने हैं, सूतले छोड़ दिया। चलिए ये थे हमारे साथ ही कुमार बिक्कू भैया, बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। लव यू ऑल, बाय।